खबर भीलवाड़ा से है, जहां प्रवासी श्रमिकों को राहत देने के लिए भारत सरकार की ओर से प्रति व्यक्ति 10 किलो गेहूं और 2 किलो दाल का वितरण शुरू किया गया। रसद विभाग के प्रवर्तन अधिकारी अमरेंद्र कुमार मिश्र ने कहा कि इस योजना में भीलवाड़ा जिले के 65,000 परिवारों के 2,00,000 से ज्यादा आवेदन आए हैं। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए इन श्रमिक परिवारों को 2 महीने तक राशन प्रदान किया जाएगा। भीलवाड़ा जिले में 65,000 से ज़्यादा प्रवासियों को जन आधार पोर्टल पर पंजीकृत किया गया था, जिनको मई और जून 2020 के पहले प्रति व्यक्ति 10 किलो गेहूं और 2 किलो चना, साबुत चना का वितरण करवाया जा रहा है। कल वॉश मशीन में इसका स्टॉक का ऑपरेशन करा दिया गया है।